हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रसोई द स्वाद। आज हम बनाएंगे पनीर फ्रैंकी एंड पनीर रोल्स, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है हरी मिर्च और लहसुन, दो हरी मिर्च, तीन चार करी लहसुन की। स्वीट कॉर्न लिया हुआ है मैंने, शिमला मिर्च ली हुई है एक, उसको कट कर लिया है। एक बड़ा प्याज लिया है, उसको कट कर लिया है। और एक टमाटर, टमाटर को भी कट कर लिया। 250 ग्राम पनीर लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। तेल जब गर्म हो गया है तो इसमें मैं एक चम्मच जीरा डालूंगी। वही प्रोसेस है, जीरा जब अच्छे से गर्म हो जाता है तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा हरी मिर्च और लहसुन जो कट करके रखा था साइड में। इसको ट्रांसलूसेंट करेंगे हम गोल्डन ब्राउन तक, थोड़ा सा इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और उसमें हम डाल देंगे हमारा प्याज जो हमने बारीक कट करके रखा हुआ था, उसको मीडियम फ्लेम पर ही गैस को रखना है। देखिए अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक कर पकाना है। और जब ये थोड़ा सा हो जाएगा ट्रांसलूसेंट सा, तो हम इसमें ऐड करेंगे अदर आइटम्स। ओके, तो ये बहुत टेस्टी बनता है घर में पनीर रोल, पनीर फ्रैंकी, जो भी आप बोलें, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च जो हमने कट करके साइड में रखा हुआ था। इसको हमें पकाना है अच्छे से। हम इसको चलाते जाएंगे और आधा मिनट तक लगभग इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं इसको पकाना है हमें। और उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हम डाल देंगे इसमें और फिर वही मीडियम फ्लेम में इसको हम पकाएंगे। थोड़ा सा टमाटर पक जाएगा लगभग आधा मिनट, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो नमक सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से, जितना भी आपको आपका टेस्ट हो, आपको अच्छा लगता हो, आप उसमें नमक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद इसमें हम चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे लगभग एक चम्मच। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, धनिया पाउडर एक चम्मच। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो है मसाले में, वो है कश्मीरी लाल मिर्च। तो इससे कलर अच्छा आता है, मैंने पहले भी आपको बताया वीडियोज़ में, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, इससे किसी भी मसाले की रंगत खिल जाती है। तो देखिए आप, कश्मीरी लाल मिर्च भी हमने ऐड कर दिया है। एक मसाला इसमें हम और ऐड करेंगे, उससे पहले इसको हम ढक देंगे आधा मिनट के लिए। आधा मिनट हो गया है, अब मैं इसको ओपन करूँगी। देखिए हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। कॉर्न का जो टेक्सचर है वो क्रंची सा रहेगा, जो हमारा रोल बनेगा उसमें, जो कि बहुत अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची कॉर्न। इसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अब कॉर्न डालने के बाद इसमें ऐड हम करेंगे एक मीट मसाला, आता है मार्केट में। आप चाहें तो उसके रिप्लेसमेंट में गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, बट मीट मसाले का टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। तो इसमें मैंने लगभग एक चम्मच फुल मीट मसाला डाला है। इसमें आप गर्म मसाला भी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। बस अब इसको हम चलाएंगे मीडियम फ्लेम में, खुला ही रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर क्यूब्स जो हमने काट करके रखे थे। अब हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, पनीर हमारा डल गया है। इसको हम उलट पलट देंगे, मिक्स कर लेंगे मसाले को। लगभग हमारा मसाला तैयार है। खुला रख के हम इसको लगभग आधा मिनट, 30-40 सेकंड तक ऐसे ही चलाएंगे और हमारा जो पनीर रोल का मसाला है वो एकदम तैयार है। तो अब हम इस मसाले को साइड में रख देंगे और हम प्रिपरेशन करेंगे हमारे
बेस की, पनीर रोल के बेस के लिए तो हमें आटा लगाना होगा सबसे पहले। तो आटा लगाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है। आप इसमें चाहें तो 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा भी ले सकते हैं। मैंने 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है। इसमें लगभग 5 से 6 रोल्स इसमें आराम से बन जाएंगे। तो आटा डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 1.5 चम्मच लगभग ऑयल ऐड करेंगे। बीच में थोड़ा सा होल करके डालेंगे जिससे बाद में हम मिक्स करें तो अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। 2 कटोरी मैदे में लगभग 5 से 6 रोल्स इजीली बन जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको जितना आपको रिक्वायरमेंट हो आप उतना मैदा ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। बहुत ज़्यादा सॉल्ट इसमें नहीं डालना क्योंकि हमारे जो मसाले रहेंगे सारे सभी चीज़ों में सॉल्ट रहेगा, तो थोड़ा सा हमें सॉल्ट इसमें ऐड करना है। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ लेंगे। इसको गूँथने में एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको गूँथना है। तो हम इस तरह से आटे को लगा लेंगे अपना। ये हमारा बेस के लिए डो एकदम तैयार है। हम इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो जब ये डो अपना हो जाए, लग जाए, तो इसको आप रेस्ट करने के लिए रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। अब तब तक हम इसमें तैयार करेंगे हरी चटनी जो हम रोल में स्प्रेड करते हैं, जिसके लिए मैंने 2-3 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है खूब सारा। इसमें खटाई के लिए और एक क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मैं डालूंगी दही। तो इसमें मैं 3 से 4 चम्मच दही ऐड करूंगी, इससे स्प्रेड काफ़ी अच्छा बनता है और उसका टेक्सचर अच्छा आता है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको लगता है आप खाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही लगभग 3 से 4 चम्मच भाई क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए, क्योंकि टमाटर भी हम इसमें डाल सकते हैं, टमाटर से खट्टा हो जाता है, बट वो पानी अलग और बाकी चटनी अलग हो जाती है, तो स्प्रेड में थोड़ा क्रीमी टेक्सचर अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे दही। और इसको अब हम करेंगे अच्छे से ग्राइंड। देखिए अब हमारी चटनी बन के तैयार है एकदम क्रीमी सी। इसको आप भजिए, पकौड़े, सैंडविचेस किसी में भी साथ में यूज़ कर सकते हैं इस चटनी को। ये काफ़ी टेस्टी लगती है और थोड़ी स्पाइसी रहती है तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब हम अपना रोटी जैसा जो बेस है जो मैंने बेल लिया है, अब इसको मैं एक पैन में सेकूंगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकते हैं रोटी पराठे जैसा, हल्का हल्का सा सेकना है। और इसको आप सेक सकते हैं मेल्टेड बटर से या फिर ऑयल से या घी से, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने इसमें मेल्ट बटर यूज़ किया है। तो इस तरह से आप इसको दोनों साइड से हल्का हल्का से सेकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है इसको क्योंकि हम इसे दोबारा से बाद में फिर से सेकेंगे। तो देखिए आप जैसे बेस में सेक रही हूँ लाइक दिस ओनली, इसी तरह से आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है इसको। तो इस तरह से सारे बेसिस हम एक बार में बना के रख लेंगे, सारी रोटियां पराठा या जो भी आप बोलें उसको हम एक साथ बनाकर इस तरह से सेक के रख लेंगे साइड में। अब हम तैयार करेंगे हमारा रोल, मेन जो है रोल। तो इसके लिए एक मार्केट में यूज़ करते हैं प्याज मसाले वाला, तो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है। रिंग्स में आपको प्याज कट कर लेना है, रिंग्स अलग कर लेना है। उसमें ऐड करना है लगभग 1/2 नींबू, नमक और लाल मिर्ची वाला पाउडर, बिल्कुल इस तरह से आप उसमें ऐड करिए लाल मिर्ची वाला पाउडर। इसमें स्पाइसी टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये हमारा मसाला प्याज तैयार है। इसको आप एज अ सैलड भी यूज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ों के साथ। तो देखिए ये हमारा बेस है जो हमने बना के साइड में रख लिया था। इस पर हम स्प्रेड करेंगे जो ग्रीन चटनी हमने बनाई थी लाइक दिस। देखिए अब जो ग्रीन चटनी है इतने इजीली स्प्रेड हो रही है, ना ज़्यादा पतली है ना बहुत थिक है, एकदम परफेक्ट है। इस तरह से ही आपको चटनी को बनाना है। देखिए मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी मेयोनीज़। आप वाइट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने जो यूज़ की है वो चीज़ चिली मेयोनीज़ है, तो कोई भी मेयोनीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको स्प्रेड कर दीजिए।
अब इसमें जो हमने पनीर का मसाला बना के रखा था उसको हम अच्छे से ज़्यादा सा पनीर वाला मसाला इसमें स्प्रेड कर देंगे बीच में। इसमें पनीर, शिमला मिर्च, कॉर्न का जो स्वाद आता है बहुत टेस्टी लगता है ये। देखिए अब हमने पनीर स्प्रेड कर दिया। अब जो हमने रिंग्स बना के स्पाइसी रिंग्स बनाए थे उनको हम इसके ऊपर सेट कर देंगे क्लिक करके लाइक दिस। देखिए जो प्याज है, पनीर प्याज का कॉम्बिनेशन वाह बहुत अच्छा लगता है। तो आप ट्राई कीजिए, बनाइए घर पे, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, सबको पसंद आता है। अब देखिए इसमें ढेर सारी करेंगे चीज़ की बारिश। बाहर हो रहा है बारिश का मौसम, अंदर हम रोल पे कर रहे हैं चीज़ की बारिश। मज़ा आ गया। जितनी बारिश करनी हो आप उतनी बारिश कर सकते हैं चीज़ की, आपके टेस्ट के हिसाब से जितना आपको चीज़ पसंद है। तो ये मैंने चीज़ की बारिश कर दी। अब हम इसमें डालेंगे पेरी पेरी मसाला थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। तो मैंने इसमें ऐड किया पेरी पेरी मसाला, इससे थोड़ा स्पाइसी लगता है। और अब हम दोबारा से इसमें प्याज सेट कर देंगे ऊपर से, ठीक है। इस तरह से आप रोल्स घर में बनाओ, अपनों का दिल खुश करो, क्योंकि पेट फुल तो दिल खुश। देखिए रोल तैयार है। अब हम इसको तवे पे एक बार थोड़ा सा सेक लेंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे तवे पे और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इस बटर जो डाला है इसके ऊपर हम अपना जो भी रोटी रोल बनाया है उसको डालेंगे और इसको थोड़ा क्रिस्पी होने तक के सेकेंगे। नीचे वाला जो टेक्स्चर है इसका क्रिस्पी हो जाए हल्का हल्का, तब तक इसको सेकेंगे। थोड़ा सा हम ढक भी सकते हैं इसको, जिससे जो हमारा चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। देखिए रोल हमारा क्रिस्पी हो गया, एकदम बन के तैयार है। इस तरह से सारे रोल्स बनाएंगे हम। देखिए एकदम स्ट्रीट स्टाइल लग रहा है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से मैंने सारे रोल्स बना लिए हैं और ये देखिए मेरा प्लेटर लुकिंग गुड राइट। ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। इजी रेसिपी है और थोड़ा सा टेस्ट में चेंज हो जाता है। सब्ज़ी रोटी, सब्ज़ी पराठा खाने से अच्छा आप रोल्स ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर।